सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड बाय स्ट्रेंजर अपडेट के एपिसोड नंबर 39 में आप सभी का स्वागत है। इस बार की स्ट्रेंजर अपडेट भाई थोड़ी सी लेट हो गई बट काफ़ी सारी मस्त अपडेट्स आई हैं, तो उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करें भाई अपडेट नंबर 1 की तो निकल कर आ रही है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरफ से। अगर आप लोग भाई इस मूवी का वेट कर रहे हो तो अभी रिसेंटली इस मूवी का जो रन टाइम है वो रिवील करा गया एंड आप लोग को जो मूवी है वो 2 घंटे 28 मिनट की देखने को मिलेगी एंड ये जो मूवी आप लोग को थिएटर्स के अंदर 6 मई को देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग बताओ भाई कितने लोग डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाने वाले हो। सो बात करें भाई अपडेट नंबर 2 की तो निकल कर आ रही है थॉर लव एंड थंडर मूवी की तरफ से। देखो भाई जो मूवी आप लोग को 8 जुलाई को देखने को मिलेगी एंड यूजुअली भाई इतने टाइम गैप के हिसाब से मार्वल वाले अपने मूवी का पहला टीजर ट्रेलर तो ड्रॉप कर देते हैं, बट अभी तक हम लोग को थॉर का कोई भी टीजर ट्रेलर देखने को नहीं मिला। हालांकि पास्ट में अपडेट चली थी कि मूवी का जो पहला लाइक ट्रेलर है वो कट हो चुका है, इनफैक्ट वो सेंसर भी हो चुका था, बट उसको रिवील नहीं करा गया बिकॉज इस मूवी के कुछ पार्ट का रिशूट अभी आप लोग को देखने को मिल रहा है एंड मूवी के भाई कुछ पोर्शन को फिर से रिशूट करा जा रहा है। उसी के साथ ही कुछ रिपोर्ट्स ने भाई ऐसा भी बताया कि आने वाले 1 महीने के अंदर ही आप लोग को मार्वल के 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे मून नाइट एंड भाई अपना डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, एंड इनकी वजह से भाई अभी इनके टीजर ट्रेलर ही आप लोग को देखने को मिलेंगे एंड अगर उसी में थॉर लव एंड थंडर को भी रिलीज कर दिया जाता है तो ज्यादा उसकी हाइप नहीं बन पाएगी एंड यही कुछ रीजन की वजह से अभी तक आप लोग को थॉर का जो पहला टीजर ट्रेलर है वो देखने को नहीं मिला। हालांकि अपडेट्स ऐसे हैं कि आप लोग को अप्रैल के मंथ में थॉर के ऊपर कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है, तो उसके ऊपर जैसे मेरे को कंफर्मेशन मिलेगी मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। सो बात करें अपडेट नंबर 3 की तो निकल कर आ रही भाई स्पाइडरमैन 4 प्लस भाई स्पाइडर वर्स के कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो देखो अगर आप लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम के कुछ रिलेटेड सीन्स को देखा हुआ है देन भाई उसमें हम लोगों को क्लियरली चीज को मेंशन करा जा रहा था कि आप लोग को आने वाले टाइम में जो स्पाइडरमैन 4 होगी या फिर जो भी स्पाइडरमैन के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें टोबी एंड एंड्रयू का जो रिटर्न है वो फिर से देखने को मिल सकता है एंड भाई उन सब की वजह से अभी जो फैंस लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश हो चुके हैं बिकॉज जिन लोगों को भी लग रहा था कि भाई ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा टोबी एंड एंड्रयू को, तो ऐसा नहीं होने वाला है, आप लोग को अपकमिंग प्रोजेक्ट में उनका जो कैमियो है वो फिर से देखने को मिल सकता है। उसी के साथ ही द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 आप लोगों को पता है कि फैंस लोगों ने काफी ज्यादा हैशटैग चला रखे थे, तो सोनी ने भाई ऑफिशियली उसको खुद रिकॉग्नाइज किया। इनफैक्ट उनके इस रिस्पांस से चीज भाई ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी थी, जो फैंस लोग डिमांड कर रहे हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की वो भाई बात सोनी तक पहुंच रही है एंड कहीं ना कहीं आप लोग को इन फ्यूचर्स के ऊपर कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है, सब कुछ भाई स्टार्टिंग में रिवील नहीं करा जाता है। उसी के साथ ही एक और डेवलपमेंट हुई, मैडम वेब जो कि भाई सोनी का अपकमिंग प्रोजेक्ट होने वाला है उसका भाई ऑफिशियल ट्विटर पेज बन चुका है एंड जैसे ही अपडेट आई भाई सारे के सारे लोग भागकर उसको फॉलो करने चले गए थे एंड उसमें से मैं भी एक आता हूँ। सो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई हम लोग को आगे इन फ्यूचर मैडम वेब के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, बट अभी करंटली भाई स्पाइडर यूनिवर्स से यही कुछ अपडेट सामने निकल कर आई थी। सो बात करें अपडेट नंबर 4 की तो निकल कर आ रही स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 की तरफ से। अब देखो भाई फैंस लोग काफी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि उनको कोई ना कोई एक छोटा टीजर ट्रेलर तो देखने को मिले बिकॉज अभी तक हम लोग को प्रॉपर कुछ भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन अभी भाई मेकर्स ने कुछ पिक्चर्स को रिवील करा है एंड उन सबसे ये चीज हिंट मिल रही है कि आप लोग को आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ा स्ट्रेंजर थिंग्स के ऊपर देखने को मिल सकता है एंड मेरे को भी भाई कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसे मैं उनको कलेक्ट कर लूंगा तो आप लोग को एक सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा कि अभी करंटली क्या स्टेटस है एंड आप लोग को ट्रेलर कब तक देखने को मिलेगा एंड जो पिक्चर्स भाई स्ट्रेंजर थिंग्स की नेटफ्लिक्स ने शेयर करी थी उन सभी को मैंने अपने चैनल के इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी कर दिया था, तो अगर आप लोग उधर फॉलो कर लोगे तो आप लोग को जो अपडेट्स होती है भाई टाइम से पहले मिल जाएंगे, तो उधर जाके फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बात करें अपडेट नंबर 5 की तो भाई जो लोग टॉम क्रूज सर के फैंस हैं या फिर भाई मिशन इम्पॉसिबल सीरीज को फॉलो करते हैं आप लोग के लिए गुड न्यूज है बिकॉज मिशन इम्पॉसिबल 8 की जो शूटिंग है वो फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि ये जो 2 मूवीज है इनकी रिलीज को काफी लंबा एक्सटेंड करा गया, जहां पे आप लोग को मिशन इम्पॉसिबल 7 2023 में देखने को मिलेगी एंड मिशन इम्पॉसिबल 8 आप लोग को 2024 में देखने को मिलेगी एंड इन्हीं रिलीज की वजह से भाई जो अपने टॉम क्रूज भैया हैं उनका कुछ पैरामाउंट से चल भी रहा है, तो जैसे उसके ऊपर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, बट यस अभी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि भाई फाइनली मिशन इम्पॉसिबल 8 की भी शूटिंग स्टार्ट हो गई है। सो बात करें अपडेट नंबर 6 की तो भाई जो लोग भी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी का वेट कर रहे थे आप लोग के लिए काइंड ऑफ गुड न्यूज है बिकॉज अपडेट्स अकॉर्डिंग इसका जो शूटिंग वाला वर्क है वो खत्म हो चुका है, अब भाई मूवी का जो पोस्ट प्रोडक्शन वर्क है वो स्टार्ट होने वाला है एंड मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए बिकॉज इससे पहले जो मूवी आई थी उसमें हम लोग को चैडविक देखने को मिले थे एंड अब देखना होगा कि भाई किस तरीके से इस मूवी में उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है एंड मूवी में हम लोग को कैसी स्टोरी देखने को मिलती है। तो आप में से कितने लोग भाई ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के लिए एक्साइटेड हो अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना। सो भाई इस बार की स्ट्रेंज अपडेट वाली वीडियो में बस इतना ही, और भी काफी अपडेट्स हैं जिसको हम लोग अगले स्ट्रेंज अपडेट वाले वीडियो में कवर कर देंगे एंड इस बार का स्ट्रेंज अपडेट वाला वीडियो वीकली नहीं आप लोग के साथ 1-2 दिन में ही देखने को मिल जाए बिकॉज काफी सारे अपडेट है एंड उसके ऊपर जैसे मेरे को कंफर्मेशन मिल जाएगी मैं आप लोग को वीडियो बनाकर दे दूंगा, बट अभी करंटली भाई अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, छोटी मोटी अपडेट के लिए चैनल के इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।